हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टोपीडिया पर। तो आज से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ ऑप्शन क्लास बेसिक टू एडवांस। ठीक है, हम लोग बेसिक से स्टार्ट करेंगे। जो लोग स्टॉक मार्केट इक्विटी मार्केट में न्यू हैं और उन्होंने कहीं सुना है फ्यूचर ऑप्शन भी होता है, डेरिवेटिव की बात करते हैं, प्रीमियम की बात करते हैं, ठीक है, इसमें डेली अर्निंग की लोग बात करते हैं, बड़े बड़े स्क्रीनशॉट करते हैं शेयर, क्या वो सही होता है, फेक होता है, सही होता है तो कितना हद तक सही रहता है, कितना फेक रहता है। और कोई भी न्यू कमर इस ऑप्शन के जरिए कैसे वो डेली अर्निंग या मंथली अर्निंग कर सकता है सेफली। ठीक है, क्योंकि फ्यूचर ऑप्शन का अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं पता है तो इससे अर्निंग करना इम्पॉसिबल है। ठीक है, पूरा का पूरा इम्पॉसिबल है अगर आपको इसका बेसिक नहीं पता है। और बेसिक आपको जानने के लिए इसमें डीप एकदम जो ऐसे ऐसे जो डिफ कॉम्प्लेक्स वर्ड्स होते हैं कि अल्फा, थीटा, गामा, वेगा, ठीक है, वो सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, वो आप एक बेसिक कंप्लीट करने के बाद जब आप एडवांस में जाएंगे, ठीक है, तो आपको एक थियोरेटिकल नॉलेज के लिए आप ले सकते हैं, बट उसका प्रैक्टिकल आप जब करने बैठेंगे तो उसका उतना यूज़ नहीं होता है। ठीक है, हाँ, आपको उसमें से डेटा पॉइंट मिलता है कि क्या वो कह रहा है, बट जब आप प्रैक्टिकल करने बैठते हैं तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता है, खाली एक दो पैरामीटर का इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन अभी ज़्यादा एडवांस की बात ना करते हुए बेसिक से हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है ऑप्शन। ओके, चलिए फ्रेंड्स, तो हम ये बेसिक से स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये मालूम रहता है कि आप जो स्टॉक परचेस करते हैं उसकी डिलीवरी लेते हैं, ठीक है, वो आप एक कंपनी का हिस्सा लेते हैं। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट करेगी या कंपनी का जो ग्रोथ पोटेंशियल है तो उसका शेयर का प्राइस बढ़ता है एज़ पर डिमांड एंड सप्लाई। ओके, तो उसको कहते हैं कैश मार्केट। मीन्स कैश में आप ये चीज़ करते हैं, जो आप कर रहे हैं या करते हैं या आपने सुना है वो कहते हैं कैश। ठीक है, उसकी डिलीवरी होती है। अब एक जो मैं बताने जा रहा हूँ वो है डेरिवेटिव मार्केट। ठीक है, अब डेरिवेटिव मार्केट में क्या होता है, तो डेरिवेटिव मार्केट में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है फ्यूचर, एक होता है ऑप्शन। ठीक है, क्या होता है, फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे ऑप्शन की। ठीक है, फ्यूचर बहुत ही इजी है, कैश मार्केट की तरह ही उसका जो कैलकुलेशन है वही रहने वाला है, खाली इसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। डेरिवेटिव मीन्स, ठीक है, ये जो ऑप्शन की जो वैल्यू है इसके फ्यूचर वैल्यू से डिराइव होती है। ओके, अब क्या है, हम लोग ऑप्शन सीखने वाले हैं क्योंकि ऑप्शन सभी लोग बोलते हैं पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें सारे कॉल, पुट, बाय, सेल, बायर प्रॉफिट करता है, लॉस करता है, एक जुआ टाइप का बोलते हैं। तो मैं कहूँगा कि नहीं, ऑप्शन एक जुआ नहीं है, बस इसका आपको बेसिक नॉलेज मालूम पड़ जाए तो आप इसमें इजीली प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो अब ऑप्शन किस तरीके से काम करता है, ऑप्शन क्या है, तो देखिए ऑप्शन एक कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, इसमें नॉर्मली दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, मंथली एंड वीकली। मंथली कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद नेक्स्ट मंथ का कॉन्ट्रैक्ट ओपन हो जाता है। ओके, और वीकली कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। सपोज हम लोग एग्जांपल लेंगे कि आज जून है, मतलब ये जो मंथ है वो जुलाई मंथ है। ठीक है, तो जुलाई मंथ में हर वीक की थर्सडे को इसकी एक्सपायरी होगी, मतलब ईच थर्सडे को एक कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर होगा। ठीक है, टोटल मंथ में अगर 4 वीक आ रहे हैं तो 4 कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और मंथ और जो लास्ट वीक का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो मंथली कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो क्या होगा, वीकली कॉन्ट्रैक्ट होता है और मंथली कॉन्ट्रैक्ट होता है। और ये कॉन्ट्रैक्ट किसका होता है, तो इंडाइसिस का होता है। इंडाइसिस मीन्स कौन कौन से इंडाइसिस हैं हमारे पास, तो इंडाइसिस हैं एक तो निफ्टी है, ठीक है, बैंक निफ्टी है, फाइनेंस निफ्टी है, और रिसेंटली मिड कैप निफ्टी आया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से हैं, देखिए निफ्टी है, ओके, बैंक निफ्टी, फाइनेंस निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, एंड मिड कैप निफ्टी है। ठीक है, नॉर्म बेसिकली जो लिक्विडिटी है अभी ज़्यादा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में होती है, तो हम लोग निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की ही बात करेंगे सब। ठीक है, सबसे पहले इजी वे में समझने के लिए हम निफ्टी का एग्जांपल समझेंगे, बाकी सभी जो रूल होते हैं सेम इंडेसिस पे अप्लाई होते हैं कैसे आपको चलना है। ठीक है,
अभी क्या होता है कि आप जब जो कैश लेते हैं, ओके, जो आप कैश लेते हैं इसमें सिंपल उसका कैलकुलेशन होता है। सपोज आपने कोई 50 रुपीज़ का शेयर लिया, उसकी वैल्यू 70 हो गई, ठीक है, तो आपको कितना प्रॉफिट हुआ, एक शेयर पे आपको 20 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, सिंपल कैलकुलेशन होता है, ठीक है, इसमें कोई भी क्या बोलते हैं प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन जब जब हम ऑप्शन के बारे में आते हैं तो ऑप्शन का कैलकुलेशन थोड़ा डिफरेंट रहता है, उसको समझने की ज़रूरत है। तो ऑप्शन का कैलकुलेशन कैसा रहता है चलिए हम देखते हैं। हेलो, तो ऑप्शन का कैलकुलेशन समझने के लिए हमें इसके कंपोनेंट समझने पड़ेंगे कि कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट के कंपोनेंट होते हैं, ठीक है। एक तो होता है कॉल, एक तो होता है पुट, ठीक है, हम ये ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्यूचर बहुत इजी है, वो मैं आराम से बता दूंगा किसी भी वीडियो में, आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए, ठीक है, बेसिक जो है वो कैसे हमको करना है, ठीक है। तो इसके दो कंपोनेंट है, कॉल एंड पुट। आप देखिए कैश मार्केट में क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ या कोई भी स्टॉक, सॉरी, परचेस किया 50 का, ठीक है। आपको अगर वो पता है कि वो उसका कोई न्यूज़ उसकी रॉन्ग आ रही है, या उसके जो फाइनेंशियल जो उसका बैलेंस शीट है वो सही नहीं है, उसकी जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसमें प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका वैल्यू डाउन होने लगती है, 45, 30, ठीक है, 20, तो आपको इसमें लॉस होने लगता है। आप जानते हैं कि यार अगर कोई ऐसा सिस्टम होता कि वैल्यू डाउन हो रही है इसमें भी मुझे प्रॉफिट होता, ठीक है, तो इस केस में हमको लॉस होता है। अब जो ऑप्शन जो है वो एक ऐसा सिस्टम है कि आप इसमें जब स्टॉक का प्राइस गिरे तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं, और स्टॉक का प्राइस बढ़े तब भी आप प्रॉफिट कर सकते हैं। खाली इसमें आपको मालूम होना चाहिए कि स्टॉक का प्राइस इन फ्यूचर या इन नियर टाइम बढ़ने वाला है या घटने वाला है, ठीक है। अब क्या है, कॉल क्या है, सपोज़ आपको पता है कि कोई एक अच्छा सा न्यूज़ आने वाला है स्टॉक के लिए या हमारे कंट्री के लिए, ठीक है, कोई अच्छा सा बजट आने वाला है या कोई अच्छी सी न्यूज़ आने वाली है फॉर सर्टेन एजेड, तो क्या होगा, वो एजेड का हम लोग उसका कॉल खरीद लेंगे, ठीक है। अभी आप समझिए सिंपल वे में, आप कॉल खरीद लेंगे और उसके अगर स्पॉट प्राइस बढ़ रही है, स्पॉट प्राइस मीन्स जैसे निफ्टी, अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस है, अभी निफ्टी का स्पॉट प्राइस आपको यहाँ पे दिखेगा, ये देखिए 16049, ठीक है, हम लोग निफ्टी का एग्जांपल लेके चलते हैं। तो निफ्टी का जो स्पॉट प्राइस है 16049, ठीक है, आपको लगता है कि भाई इस वीक में, सपोज़ आज मंडे है तो थर्सडे को एक्सपायर होने वाला है, मुझे लगता है कि ये इजीली 16200 तक जाएगा, तो आपने क्या किया, आपने 16200 का मतलब स्ट्राइक प्राइस का आपने कॉल कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया, ठीक है। उसका प्रीमियम हम देखते हैं कितना होगा, देखिए उसका प्रीमियम होगा 16200 का कॉल साइड में 62.50 है, कितना है, 62.50 मीन 62 पॉइंट, आपको इसमें प्रीमियम का ही पेमेंट करना है, स्ट्राइक प्राइस एक कॉन्ट्रैक्ट का नाम है, ठीक है, आपका मेन वैल्यू जो है प्रीमियम है, ओके। और इसका जो लॉट साइज होता है 50 होता है, याद रखिए आप कोई भी शेयर वन क्वांटिटी का ले सकते हैं कैश में, ठीक है, बट जहाँ पर ये ऑप्शंस एंड फ्यूचर की बात आती है तो आपको एक क्वांटिटी में नहीं ले सकते, उस एजेट का, उस इन्वेस्टमेंट ग्रुप का, ठीक है, अगर जो भी लॉट साइज हो उतना ही आपको लेना पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप ले सकते हैं, मिनिमम क्वांटिटी उतनी ही लेनी पड़ेगी। निफ्टी में, हम यहाँ निफ्टी का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो निफ्टी में लॉट साइज 50 का होता है, ओके, तो आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप बाय करने जा रहे हो, तो 50 × 62.5, तो वो होगा 50 × 62.5 3250, मीन्स आपको ओनली 3250 में आपको निफ्टी का एक लॉट कॉल बाय कर सकते हैं। अब सेम वे सपोज आपको लगता है नहीं अभी तो इन्फ्लेशन आ रहा है, अभी मार्केट और डाउन जाएगा या मार्केट अभी और करेक्शन आएगा मार्केट में, तो आपको लगता है कि नहीं अभी तो ये निफ्टी और गिरेगा, निफ्टी नियर टर्म में 15800 तक गिरेगा, तो आप उसका 15800 पुट बाय करोगे, क्योंकि देखो ऑप्शन में मैंने बताया कि मार्केट जब बढ़ेगा तो भी प्रॉफिट होना है, गिरेगा तो भी प्रॉफिट होना है, बस आपको मार्केट का डायरेक्शन प्रिडिक्शन आना चाहिए कि मार्केट बढ़ने वाला है कि घटने वाला है, ठीक
ठीक है, आपने मार्केट प्रिडिक्शन किया अपने एनालिसिस से कि मार्केट गिरने वाला है, तो आपने पुट का 15,800 स्ट्राइक प्राइस का एक कॉन्ट्रैक्ट बाय किया। यहाँ पे बाय की बात हो रही है ओनली, ठीक है, इसमें सेलर भी आएंगे, ठीक है, जो लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, सामने वाले शॉर्ट हैं, सामने वाली पोजिशन शॉर्ट की ओपन है तभी बाय कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बायर का एग्जाम्पल अभी समझ रहे हैं, हम समझने के लिए बेसिक रूप में। तो यहाँ पर 15,800 स्ट्राइक प्राइस का आपने पुट बाय किया, उसकी वैल्यू क्या रहेगी, उसकी वैल्यू अब हम लोग देखते हैं। पुट देखिए, ये एक ऑप्शन चेन है, इसका एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, अभी बेसिक समझिए, खाली प्राइस देखने के लिए मैं ये ओपन कर रहा हूँ आपके लिए। तो सिर्फ 15,800 थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो 15,800 ये रहा स्ट्राइक प्राइस, ये इसका 36.15, ठीक है, तो 36.15 का आपने यहाँ पे वो बाय कर लिया पुट का कॉन्ट्रैक्ट। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, तो इसकी वैल्यू होगी 1,807, ठीक है, इतने में आपको आराम से मिल गया, ठीक है। अब क्या होता है कि एक सपोज एग्जांपल में लेते हैं, ठीक है, कॉल लिया राजन ने, ठीक है, कोई भी एक पर्सन ने लिया, और दूसरे को लगा कि नहीं, राम को लगा कि नहीं जो मार्केट डाउन जाएगा, इसलिए उसने पुट बाय किया। तो अब क्या होगा, सपोज मार्केट राम के फेवर में जाता है, क्या होता है, मार्केट राम के फेवर में जाता है और सडनली मार्केट क्रैश होने लगता है, मीन्स मार्केट जो निफ्टी का स्पॉट प्राइस कितना है, 16,049 है, तो मार्केट तुरंत ही डाउन होकर 15,900 पे पहुंच जाता है उसी दिन, ओके, मीन्स अराउंड 150 का डाउनफॉल होता है। तो ये जो प्रीमियम प्राइस है, वो प्रीमियम प्राइस तुरंत ही ड्रास्टिकली बढ़ के इसकी प्राइस हो जाएगी अराउंड 50, ठीक है। अगर ये तेज़ी से हो रहा है तो 50 से ज़्यादा भी जा सकती है, अगर 15,900 की जगह और भी डाउनफॉल हो रहा है तो और इसकी वैल्यू बढ़ के हो जाएगी 60, ठीक है, तो कितना प्रॉफिट होगा, ठीक है, तो प्रॉफिट होगा, देखिए इसने बाय किया 1,807 पे, तो प्रॉफिट इसका हुआ 3,000 रुपीज़, है ना, सॉरी 3,000 उसको मिला, तो प्रॉफिट सेल माइनस बाय, ओके, तो उसका प्रॉफिट जो होगा वो कितना होगा भाई, सिंपल इतना प्रॉफिट हो उसको, मतलब 1,192 एक लॉट पे, मतलब उसको विद इन 1 आवर या विद इन 2 to 3 आवर अगर मार्केट सडन फॉल हो रहा है तो इतना उसको मिल जाएगा, किसको, राम को, राम प्रॉफिट कर रहा है। लेकिन वहीं पर जब राजन ने कॉल बाय किया था ये सोच के कि नहीं निफ्टी बहुत डाउन हो चुका है अब तो निफ्टी बढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर क्या होगा, इसका जो प्रीमियम 62.5 था ये सडनली डाउनफॉल होके कितना हो जाएगा, ठीक है, तो इसका यहाँ पे वो डाउनफॉल होके इसका हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है, या ठीक है 30 हो जाएगा, तो हम लोग एग्जाम्पल में 30 लेके चल रहे हैं, तो 30 हो गया, तो यहाँ पे इसको 1,500 इसको पैसा रुपए मिल रहा है, इसको कितना सा कितना लॉस हुआ, तो इसको लॉस हुआ ये माइनस सेल माइनस बाय प्राइस माइनस 1,750, मीन्स माइनस 1,750 रुपीज़ का लॉस हुआ इसे, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस दोनों होने वाला है, ठीक है, और इसका ये हुआ बायर के लिए, आप समझ रहे हैं ना कि मार्केट, अगर मार्केट मीन्स यहाँ हम निफ्टी का एग्जांपल ले रहे हैं, अगर निफ्टी इंडाइसिस बढ़ रहा है तो कॉल जिसने लिया है उसको प्रॉफिट होगा, पुट जिसने लिया है उसको लॉस होगा। अगर मार्केट क्रैश होना मतलब मार्केट डाउन होना स्टार्ट हो जाता है तो जिसने कॉल लिया है उसको लॉस होगा, जिसने पुट लिया है उसको प्रॉफिट होगा, एक सिंपल है, ठीक है। कॉल में क्या है कि प्रॉफिट होना है कब, मार्केट अप जाए, तो यहाँ पर मैं एक सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉल पुट, प्रॉफिट कब होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक सिनारियो लिखता हूँ, मार्केट अप मार्केट डाउन, ठीक है। एक तीसरा भी सिनारियो होता है, उसको बोलते हैं मार्केट रेंज बाउंड,
रेंज बाउंड मींस मार्केट 10-20 पॉइंट्स बढ़ रहा है फिर घट जा रहा है, मार्केट 10-20 पॉइंट्स डाउन जा रहा है फिर बढ़ जा रहा है, मतलब मार्केट कुछ 20-50 पॉइंट्स में रेंज बाउंड रह रहा है, उस केस में क्या होगा, दोनों को लॉस होगा, क्या होगा, दोनों को लॉस होगा, समझ रहे हो। अब यहाँ देखते हैं कि ठीक है, तो मार्केट जब भी रेंज बाउंड रहेगा तो दोनों को लॉस होगा। अब आप बोलेंगे कि आपने कहा था कि नहीं प्रॉफिट तो होना ही है, तो यही तो इसका गेम है, यही तो इसका मैथमेटिक्स है, जो मैं धीरे धीरे आपको बताऊंगा ऑप्शन के दूसरे वीडियो में। अभी ये बेसिक वीडियो आप समझिए, कॉल कब लेना है, पुट कब लेना है, कॉल से कब प्रॉफिट होता है, पुट से कब प्रॉफिट होता है, लॉस कब होता है, आपको सिंपल इतना समझना है। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, ओके, और स्पॉट प्राइस क्या होती है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक टेबल समझा दे रहा हूँ, कॉल में कब प्रॉफिट, पुट में कब प्रॉफिट। तो कॉल में कब प्रॉफिट होगा, जब मार्केट अप होगा तो प्रॉफिट होगा, पुट में तो लॉस होगा, मार्केट अप जा रहा है तो किसी ने पुट बाय किया तो उसको लॉस होगा, ये है किसी ने बाय किया है उसके लिए। चलो मैं थोड़ा और बता देता हूँ, ये बायर के लिए है, ठीक है ना, ओके। तो ये हमारा तो ये बायर के लिए है, प्रॉफिट कब होगा, मार्केट अप होगा तो कॉल प्रॉफिट करेगा, जिसने कॉल लिया है, जिसने पुट लिया है उसको लॉस होगा। अब मार्केट क्रैश हो रहा है, जिसने कॉल लिया है उसको डेफिनेटली लॉस होगा, और क्या बोलते हैं, पुट लिया है उसको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो मार्केट अप में कॉल प्रॉफिट पुट लॉस, मार्केट डाउन में पुट प्रॉफिट कॉल लॉस, लेकिन मार्केट रेंज बाउंड रहा, सपोज रेंज बाउंड क्या मैं बोल रहा हूँ कि देखिए, अगर निफ्टी 16,050 पे है अभी, और निफ्टी दिन के एंड तक, मैं डे की बात कर रहा हूँ, दिन के एंड तक 16,040 या 60 पे क्लोज होता है, तो प्रीमियम डाउन जाएगा। ये दोनों का जो प्रीमियम आपने लिया हुआ है, कॉल में कितना लिया था, 62 का लिया था, तो डाउन जाएगा। डाउन कितना जाएगा, 55 जा सकता है, 60 जा सकता है, ये विक्स पे डिपेंड करता है, ये बताऊंगा बाद में विक्स क्या है, ठीक है। अब पुट में क्या है, 36 लिया था तो भी डाउन होकर 32, 33, 30 तक आ सकता है, उसकी स्पॉट वैल्यू से कितना दूर है उस पर डिपेंड करता है। तो आपको मार्केट का डायरेक्शन फुल प्रूफ पता होना चाहिए कि हमको कॉल लेना है या पुट लेना है, ओके। अब चलिए हम लोग समराइज कर देते हैं कि क्या है ऑप्शन, ओके। ऑप्शन क्या है, तो एक डेरिवेटिव का पार्ट है, डेरिवेटिव के पार्ट दो हैं, मैन फ्यूचर एंड ऑप्शन, हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हम जैसे इक्विटी में हम लोग कैश बाय करते हैं, जिसमें हमको बायिंग करते हैं, और उसकी बायर से बाइंग प्राइस से, कॉस्ट प्राइस से हमारी सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो, हम उससे बेचते हैं तो प्रॉफिट हमको मिलता है, सिंपल। इसमें ऐसा नहीं होता, इसमें प्रीमियम पर होता है कि आपने 62 का लिया है, तो अगर 62 से ज़्यादा प्रीमियम जाएगा तो उस लॉट के हिसाब से आपको इसमें प्रॉफिट होता है। उसमें आप कैश में सिर्फ एक क्वांटिटी ले सकते हैं, इसमें निफ्टी हो तो 50 क्वांटिटी ले सकते हैं, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें स्पॉट प्राइस होता है, स्पॉट प्राइस में निफ्टी जिस पर करंट चल रहा है उसको बोलते हैं स्पॉट प्राइस। एक होता है निफ्टी की फ्यूचर प्राइस, जो निफ्टी के स्पॉट प्राइस से प्लस माइनस रहता है, ओके। तो जो भी ऑप्शन का प्रीमियम है ये फ्यूचर प्राइस से निफ्टी के डिराइव होता है, लेकिन जब एक्सपायरी आती है थर्सडे के दिन, तो फ्यूचर प्राइस एंड स्पॉट प्राइस सेम हो जाते हैं, ओके। तो हमें स्पॉट प्राइस ये रहा, हमें क्या लेना है, दो ही क्वांटिटीज में हम लोग ले बाय कर सकते हैं, या तो कॉल कर सकते हैं या तो बाय कर सकते हैं। कॉल कब लेना है, अगर निफ्टी का डायरेक्शन आपको लगता है कि अब जाने वाला है तो आप कॉल बाय करेंगे, ठीक है। अगर निफ्टी का डायरेक्शन आपको लगता है कि आप पुट के डाउन जाने वाला है तो आप पुट बाय करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 16,049 है, आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये थर्सडे तक तो आराम से 16,200 क्रॉस करेगा, तो आप ये स्ट्राइक पर ले सकते हैं। आप 16,001, हाँ याद रखिए, स्पॉट प्राइस से जितना आप नज़दीक जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू कॉल, प्रीमियम उतना बढ़ेगा, क्योंकि पूरी प्रीमियम की गेम प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है। क्योंकि 16,050 है, आप सोचते हैं नहीं 16,060 तो आराम से जाएगा, चलो मैं ले लेता हूँ, तो भाई 16,100, क्योंकि इसका जो स्ट्राइक प्राइस होता है 50 के मल्टीपल में होता है। जैसे 16,200 के बाद ऐसा नहीं कि 16,210 की आप स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस आपकी आएगी 16,250, तो आपको लगता है कि चलो 16,049 है, 16,050 का ले लेता हूँ मैं, एकदम आराम से जाएगा और प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे 16,050 का कितना है, 127, आपको यहाँ पे 127 पेमेंट करने पड़ेंगे प्रीमियम, ठीक है, 127 आपको देने पड़ेंगे। तो 127 अब बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है,
उस हिसाब से यहाँ पे कितना होगा प्राइस आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 6,350 बढ़ गया, डबल हो गया, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आप कह रहे थे कि स्ट्राइक प्राइस जितना नज़दीक जाएगा कॉल में स्पॉट प्राइस के, वो उतना प्राइस ज़्यादा होगा। ओके, सेम वे पुट। अब पुट में क्या होता है, हम देख रहे हैं कि 16,050 है, हमें लगता है यार डाउन होके 15,800 आराम से जाएगा, तो आपने स्ट्राइक प्राइस ले ली। लेकिन आप सोचते हैं नहीं, 16,000 अगर मैं 16,000 का पुट लेता हूँ तो आराम से जाएगा ना, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा उसकी, हाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बट प्रीमियम भी उसके हिसाब से ज़्यादा होगा। अब देखिए 16,000 यहाँ पे, ये प्रीमियम 16,050 का है, यहाँ पे 16,000 का हम प्रीमियम देखते हैं कि भाई कितना होता है पुट का प्रीमियम। तो पुट का प्रीमियम 16,000 पे होता है, पुट है इस साइड, पुट है 92 का प्रीमियम होगा इसका, कितने का होगा, 92 का तो प्रीमियम हो जाएगा इसका। चलो 92 का प्रीमियम यहाँ पे लिख लेते हैं, तो 92 का प्रीमियम हो गया इसका, ठीक है। तो इतने का आपको पड़ा वो, ठीक है, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है ना, ये वाला, ये जो है आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है, और ये आपका, ठीक है, सेलिंग प्राइस है, ठीक है। अब आप समझ गए कॉल कब लेना है, पुट बाय पुट कब लेना है, स्ट्राइक प्राइस के मतलब क्या होता है, 50 के मल्टीपल में होता है। ओके, ठीक है, तो अभी इतना काफ़ी है, और लास्ट में ये समराइज कर देते हैं कि प्रॉफिट किस केस में होगा, लॉस किस केस में होगा। देखिए डेरिवेटिव या किसी भी फाइनेंशियल एजेंट में आप अपना रिस्क को मैनेज कर लीजिए, प्रॉफिट अपने आप जनरेट होगा, प्रॉफिट के पीछे मत भागिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, किसी भी बिजनेस या सिस्टम में प्रॉफिट एक पार्ट होता है, प्रॉफिट इज ए पार्ट ऑफ बिजनेस, लॉस नहीं होता, ठीक है। हमको प्रॉफिट में से भागना ही नहीं, प्रॉफिट तो अपने आप जनरेट होगा, आप लॉस कब कैसे कंट्रोल करें, लॉस होवे ही ना, हम लॉस को आप एकदम मिनिमाइज कर दीजिए, एकदम नलीफाई कर दीजिए, सिर्फ प्रॉफिट ही बचे। ओके, चलिए, तो अब लॉस कब होता है, लॉस कब होता है जब मार्केट का डायरेक्शन आपने जो प्रेडिक्ट किया उसका उल्टा होता है। कॉल बाय करने वाला सोचा था कि भाई मार्केट अप जाएगा मुझे प्रॉफिट होगा, अगर अप गया तो प्रॉफिट होगा, बट डाउन गया तो लॉस होगा। सेम वे पुट बाय करने वाला सोचा था कि नहीं मार्केट डाउन जाएगा, गिरेगा मार्केट, तो मार्केट डाउन गया तो उसको प्रॉफिट हुआ, बट अप गया तो उसको लॉस हो गया। अब किस केस में दोनों को लॉस होगा, तो जब एक्सपायरी के नज़दीक, ठीक है, जब वेडनेसडे आएगा, थर्सडे आएगा, जब आपका जो स्ट्राइक प्राइस है, आपने सपोज स्ट्राइक प्राइस लिया है 16,200 मान लो लिया है, और 16,100 के आसपास ही ये घूम रहा है, तो उस केस में आपको कॉल साइड में लॉस होगा और पुट साइड में भी लॉस होगा, क्योंकि मार्केट रेंज बाउंड रहा। ओके, चलिए, तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, बिकॉज अगर जितना ज़्यादा मैं बताने की कोशिश करूँगा एक ही वीडियो में तो उतना ही प्रॉब्लम होगा। हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे हम समझ समझ के, बेसिक समझ समझ के एडवांस की तरफ जाएंगे, और एडवांस तक जाते जाते हम लोग इतना सीख जाएंगे कि हम लोग अपने आप से स्ट्रेटजी डिफाइन कर पाएंगे, ठीक है। हमें सिर्फ यही फोकस करना है बेसिक समझ के, ठीक है, एडवांस स्ट्रेटजी समझ के हमको लॉस को नलीफाई कर देना है ताकि प्रॉफिट जनरेट हो इजीली। चलिए, बाय, मिलते हैं।